हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि का पोस्टर कैसे बना सकते हो। अगर मैं आपको यहां पे पोस्टर दिखाना चाहूं तो उसके लिए मैं अपने पिक्सल लैब में जाता हूं। यहां पे देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। यहां पे जो पोस्टर आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो पोस्टर है इसका जो PLD फाइल और इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी मटेरियल को यूज़ किया गया वो सारा मटेरियल का लिंक, ये दोनों PLD फाइल और मटेरियल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको वीडियो में तीन जगह पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको जो इस तरीके का बैनर पोस्टर को बनाना है उसके लिए आप जो यहाँ पे इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ दोस्तों इस तरीके के बैनर पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ भी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है एक लिंक मिलेगा, ऐसा ही लिंक आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो लिंक रहेगा आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लिंक ब्राउजर में ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा रहेगा श्रद्धांजलि पोस्टर करके और साइड में छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो फाइल दोस्तों रहेगा वो आपका फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है लिंक पर क्लिक करके जो भी फाइल दिया गया उसको डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पे आपको फाइल को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरा जो PLD फाइल उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अपने जो उस फाइल को पासवर्ड से ओपन करने के लिए एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है RAR करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरा एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जो आपको प्ले स्टोर पर भी आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर आप आइकन देख सकते हो, चलिए इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इसको आपको डिसमिस कर देना है। और अभी आपको यहाँ पे जो अपने उस फोल्डर में चले जाना है जिस फोल्डर में आपका जो फाइल डाउनलोड होकर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो फाइल को डाउनलोड पे लगाया हुआ था, मेरा फाइल डाउनलोड होकर डाउनलोड के फोल्डर में ऐड हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा डाउनलोड का फोल्डर यहाँ पे रहा, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखोगे दोस्तों मेरा जो फोल्डर का जो फाइल है यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हो श्रद्धांजलि पोस्टर करके। तो यहाँ पे आपको करना है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको जो अपना ये जो फाइल है इसको आपको सेलेक्ट करना है साइड में क्लिक करके, और ऊपर के साइड में आपको सेकेंड नंबर पर एक्सट्रैक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके जो ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे नीचे के साइड में ओके का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपको वीडियो में तीन जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर उस पासवर्ड को डाल के लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो में आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने पासवर्ड को डाल के लिख लिया हुआ है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो फाइल रहेगा दोस्तों एक्सट्रैक्ट करके कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे जो उस पोस्टर को बनाने के लिए, उस बैनर को बनाने के लिए यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी सारे जो PNG मटेरियल दिए गए हैं और साथ में आपको जो यहाँ पे PLD फाइल भी मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड करके चाहे तो PLD फाइल को ओपन करके बना सकते हो, चाहे तो आप इस मटेरियल को यूज़ करके बना सकते हो। मैं इसलिए दोस्तों PNG मटेरियल को और यहाँ पर जो PLD फाइल को इसलिए साथ में दिया हूँ क्योंकि कुछ लोगों को जो PLD फाइल ओपन नहीं करने आता है, तो वो जो लोग हैं उस बैनर के जो भी मटेरियल को यूज़ करके उसको ओपन करके बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। आपको इतना काम कर लेना है, फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डाल के फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद अभी आपको अपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे आप इसको स्टार्टिंग ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन आपको जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा साइड में, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन मिलता है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी करके, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप अपने गैलरी में आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अभी आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने पासवर्ड डाल के फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर देखोगे मेरा जो फोल्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा जो फोटो है यानी फोटो है और यहाँ पे जो भी PNG मटेरियल वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे आपको बनाना है बैनर को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो अपना बैनर है उसका बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, और नीचे आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करके ओपन करोगे यहाँ पे आपको जो बैनर का बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। और अभी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी भी जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अभी आपको दूसरे वाला जो PNG है उसको ओपन करना है, नीचे राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको नीचे थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है रिलेटिव साइज के ऑप्शन को सिलेक्ट करके हाइट और वेट दोनों 100% रखना है। ऊपर आपको राइट का ऑप्शन पर क्लिक करके लेयर के ऑप्शन पर जाना है, इसको लॉक कर देना है। इतना काम करने के बाद वापस से लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, प्लस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ्रॉम गैलरी पे वापस से जाना है। जाने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे जो ये वाला PNG इसको ओपन कर लेना है, नीचे राइट का ऑप्शन पर क्लिक करके इसका भी साइज आपको बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर बढ़ा नहीं पा रहे हो ठीक से तो यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन मिल जाता है थर्ड नंबर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिलेटिव साइज करके, वहाँ पर क्लिक करके आप जो हाइट वेट 100% पर रखोगे तो ये जो आपका यहाँ पर सेफ है साइज है वो आपका यहाँ पर जो सेट हो जाएगा। अभी आपको ऊपर राइट का ऑप्शन पर क्लिक करके लेयर के ऑप्शन पर जाना
लेना है, इसको भी यहाँ पे लॉक कर देना है। लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करके अभी आपको लेयर के ऑप्शन पे वापस से क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद वापस से प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी भी जाना है और यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरीके से जो PNG मिलेगा इसको भी आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको भी आपको यहाँ पे बीच में सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सेट करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे साइज आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में लिखना भी है आपको यहाँ पे कुछ, तो इसको आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों अभी आपको प्लस के ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी भी जाना है और यहाँ पे आपको जो कैंडल का PNG मिलेगा इसको भी क्लिक करके ओपन कर लेना है और इसका भी साइज आपको छोटा करके यहाँ पे इसके साइड में कुछ इस तरह सेट कर देना है यहाँ पे। और सेट करने के बाद इसका आपको कॉपी लेना है और कॉपी लेने के बाद यहाँ पे आपको क्रॉप के ऑप्शन पर जाकर इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, नीचे राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके वापस इसको भी आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे जो लेयर के ऑप्शन पर जाना है, जो भी आपने ओपन किया अभी उसको लॉक कर देना है लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके और लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट मिलेगा भावपूर्ण श्रद्धांजलि करके कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इसको भी आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर लेयर के ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको लॉक के ऑप्शन क्लिक करके इसको भी लॉक कर देना है और अभी आपको यहाँ पे इतना काम करके हो चुका है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे अपना जो भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि में जिसका भी आप फोटो लगाकर बनाना चाहते हो यहाँ पे आप उसका फोटो लगाओगे, तो मैं प्लस के ऑप्शन क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 फोटो दिया हुआ है, आप जैसे डाउनलोड करोगे मेरे इस लिंक से जो भी डाउनलोड करोगे तो आपको साथ में ये दोनों फोटो मिल जाएगा। यहाँ पे आपने इसके जगह पे आप कोई दूसरा फोटो यूज कीजिएगा, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पे जो ए वाले फोटो को लगाना है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 1x1 वाला साइज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपने फोटो को सिलेक्ट करोगे जितना भी आपको बैनर में लगाना है और लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपने इस यहाँ पे लॉक का ऑप्शन मिलेगा, इसको अनलॉक कर देना क्लिक करके और नीचे से आपको थोड़ा सा साइज यहाँ पे कुछ इस तरह जो बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप नीचे राइट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो फोटो आ जाएगा, अभी आपको अपने इस फोटो को यहाँ पे लाना कुछ इस तरह, जो आपका यहाँ पे जो शेप है जो ये फ्लावर वाला जो आपका बॉर्डर डिजाइन दिख रहा है आपको उसके ऊपर ही आपको लाके सेट करना है फोटो को कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको फोटो को सेट करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है, फोटो को सिलेक्ट करके लेयर के ऑप्शन पे जाना है और जाने के बाद अपने फोटो को स्क्रॉल करके नीचे लाना है और जहाँ पे भी आपका ये जो बॉर्डर वाला साइड में शेप मिलेगा उसके नीचे आपको लाके रख देना है अपने इस फोटो को जो भी आप सेट कर रहे हो। रखने के बाद ऊपर आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखोगे तो आपको जो फोटो सेट करके कंप्लीट हो चुका है और लेयर के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे आपको जो भी लॉक करना है लॉक कर देना है ताकि यहाँ पे आपको जो बाद में एडिटिंग करने में परेशानी ना हो। तो यहाँ मेरा जो इतना काम करके हो चुका है और यहाँ मैं एक बार अपने बैनर में आपको लेके चलता हूँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं अब जो अपने गैलरी में चलिए लेके चलता हूँ आपको, तो यहाँ मैं जो अपने गैलरी में आ चुका हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है भोजपुरी जगत के मशहूर अभिनेता व कमेडियन करके श्री बबलू रिमिक जी को मोबाइल ग्राफिक चैनल की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो अपनी तरफ से लिखोगे, तो लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यह करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको चले आना है जो अपनी पिक्सल लैब में और यहाँ पे आपको न्यू टेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे दोस्तों न्यू टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पहले से एक न्यू टेस्ट पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रहा और यहाँ पे ये जो एडिट के ऑप्शन क्लिक करके मैं टू फ्रंट के ऑप्शन क्लिक करता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट ऊपर के साइड में आ चुका है यहाँ पे और लेयर के ऑप्शन मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा न्यू टेस्ट इसको मैं सिलेक्ट करके डबल टाइप करता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था भोजपुरी के मशहूर अभिनेता कमेडियन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे चलिए मैं एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ मैं लिख लेता हूँ और यहाँ मैं पहले अपने कीबोर्ड को जो यहाँ पे ब्रैकेट वाला जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे चलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंड यानी स्टार्ट और क्लोज वाला दोनों वाला और इसके बीच में चलिए मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे कमेडियन भी लिख लेता हूँ, अभिनेता व कमेडियन ऐसे करके एग्जांपल में डाल देता हूँ मैं और यहाँ मैं डन करके ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है, साइज मैं इसका छोटा करूँगा कुछ इस तरीके से और छोटा करने के बाद यहाँ मैं चलिए इसमें कोई एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं जो भी फ़ॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको सारे फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने पर्सनल में एक वीडियो बना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप जो उस वीडियो का थंबनेल देख सकते हो दोस्तों। इसी वीडियो में मैंने आपको ये सारे फ़ॉन्ट के बारे में बताया हुआ है, कौन से फ़ॉन्ट को कैसे यूज करना है और इस फ़ॉन्ट को कैसे डाउनलोड करना है सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है, जाके आप उस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर चलिए मैं एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को कोई फोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इस फोन को सिलेक्ट किया, नीचे मैं ओके कर देता हूँ क्लिक करके, मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे मैं इसका एक कॉपी लेता हूँ, मैं एडिट के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे जो भी लिखा है उसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद दोस्तों अभी आपने यहाँ पे अपने बैनर पोस्टर में जिसका भी फोटो लगाया हुआ है यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्वर और यहाँ पे नाम है बबलू करके, तो यहाँ मैं बबलू लिखूँगा
यहाँ मैंने बबलू लिखा और यहाँ पे उसके आगे रिमिक्स और इसके आगे जीबी लिख देता हूँ और यहाँ मैं डन करके ओके कर देता हूँ। तो मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है साइज मैं इसका बड़ा रखूँगा और यहाँ पे इसको ला के सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे सेट करने के बाद होती है यहाँ पे जो मेरा जो एप जो बॉर्डर यानी जो मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है उसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप छोटा ही रखिएगा ताकि आपको जो यहाँ पर टेक्स्ट है अच्छी तरीके से यहाँ पर जो सेट हो पाए। और यहाँ पर आपको जो इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कलर के ऑप्शन में जाकर इसमें जो ऑरेंज टाइप का कलर जो येलो कलर का होता है ऑरेंज टाइप का उसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं चलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले नीचे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ऊपर राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है माई फॉन्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट पसंद है वो फॉन्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे जो है नीचे ओके का ऑप्शन देख रहे हो वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जो फॉन्ट टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रखिएगा और यहाँ पे आप जो इसको सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा लगभग इतना काम करके कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ मैं इसी टेक्स्ट का एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी लेने के बाद यहाँ मैं चलिए दिखाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे अपने इस बैनर पोस्टर में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये रहा मेरा बैनर पोस्टर जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है मोबाइल ग्राफिक्स चैनल की ओर से भावपूर्ण संदाजी करके। तो यहाँ पर आप जो लिख सकते हो अपना नाम या जैसे मेरा नाम है सौरभ प्रजापति की तरफ से आपको भावपूर्ण संदाजी ऐसा करके कुछ लिख सकते हो अपना नाम देकर लिख सकते हो या तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख के दे सकते हो या तो जो भी आपको लिख के देना अपने हिसाब से आप लिख के दे सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं जो आपको बोला पहले बताया मैंने अपने बैनर में देख के वही मैं चलिए यहाँ पे टाइपिंग करके लिख लेता हूँ फटाफट। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे क्या करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने टाइपिंग करके लिख लिया हुआ है। लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं डन करके ओके करता हूँ तो देखो कि मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है साइज मैं इसका बड़ा करता हूँ और यहाँ पे इसको ला के मैं सेट कर देता हूँ। और इसके आगे और पीछे मैं दो डबल लाइन दे देता हूँ ये वाला कॉमा वाला सॉरी दोस्तों इसको कॉमा वाला नहीं इसको कुछ दूसरा ही बोलते हैं इसको कुछ दूसरा ही चीन से नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल अभी के लिए। और यहाँ मैं डन करके ओके कर देता हूँ तो मेरा जो यहाँ पे ये भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख के कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों अभी आप देखोगे तो आपका जो बैनर है भावपूर्ण संधाली का बैनर पोस्टर है वो बन के लगभग यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरह के बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए इसका जो PLP फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और उसमें जो मटेरियल को यूज किया गया उस मटेरियल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जाइए आप डाउनलोड करके बनाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।